आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। आजाद सिपाही के हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। पलामू में टीकाकरण के बाद 3 मासूमों की मौत, 6 से अधिक गंभीर, ग्रामीण भड़के। एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी रोपाना उरांव को लगी गोली, साले की हत्या का है आरोपी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दुमका में मयूराक्ष सिल्क का अवलोकन किया, कहा वैल्यू एडिशन प्लांट से खुलेंगे रोजगार के द्वार। पीएनबी फ्रॉड मामले में नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट। सुशील मोदी का बड़ा हमला, लालू ने टाटा कंपनी की जमीन तक किया कब्जा। अब खबर विस्तार से। पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के लोगा में 3 मासूमों की मौत हो गई, जबकि 6 से अधिक गंभीर हैं। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले बच्चों को रोटा वायरस वैक्सीन की खुराक दी गई थी, उसके बाद हल्का बुखार आया, उसके कुछ देर के बाद दस्त हुई। शाम में जब स्थिति बिगड़ने लगी तो बच्चों को इलाज के लिए किशनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां 3 मासूमों को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतकों में उज्जवल कुमार पिता उपेंद्र ठाकुर, आर्यन कुमार भुइया पिता धीरेंद्र भुइया का नाम शामिल है, जबकि गंभीर प्रभात कुमार, आयुष संतोष यादव, निरंजन प्रेरणा कुमारी को सदर अस्पताल ले जाया गया है। इधर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पलामू में 3 बच्चों की मौत की सूचना को गंभीरता से लिया है और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना से मन द्रवित है, जिसकी भी गलती होगी उसे बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की है। चान्हों में रविवार को पुलिस के साथ मुठभेड़ में क्षेत्र का कुख्यात अपराधी रोपाना उरांव घायल हो गया। मुठभेड़ में घायल हुए रोपाना को इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है। घटनास्थल से एक कार्बाइन और पिस्टल बरामद की गई है। रांची पुलिस को सूचना मिली थी कि लोहरदगा रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में कुख्यात अपराधी रोपाना उरांव चान्हों के एक गांव में डेरा डाले हुए है। रोपाना के अलावा गिरोह के कई अन्य सदस्य भी मौजूद थे। इसी सूचना पर पुलिस की टीम ने गांव की घेराबंदी कर ली। पुलिस को देखते ही रोपाना ने फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस पर बम से भी हमला कर दिया। पुलिस फायरिंग का जवाब देते हुए गोली चलाई। दोनों तरफ से चली गोलीबारी में रोपाना घायल हो गया। गोली लगने के बाद रोपाना ने भागने की भी कोशिश की, मगर पुलिस ने उसे दबोच लिया। रोपाना चान्हों के पंडरी सिंधुवार टोली का रहने वाला था और हत्या लूट और कई आपराधिक मामलों में वंचित था। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दुमका में निर्मित मयूराक्ष सिल्क का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूरे भारत का 82% तसर का उत्पादन झारखंड में होता है। दुमका जिले में तसर का उत्पादन राज्य में सबसे अधिक होता है। उन्होंने कहा कि वैल्यू एडिशन प्लांट लगाकर यहां के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इससे कोकून उत्पादन करने वाले किसानों को बेहतर आमदनी होगी तथा इससे उनके जीवन स्तर में सुधार देखने को मिलेगा। पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में तसर सिल्क की मांग है। दुमका जिले में मयूराक्ष सिल्क का निर्माण हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री उद्यमी बोर्ड के तहत तसर बोर्ड का भी गठन किया गया है। आने वाले समय में मयूराक्ष सिल्क की मार्केटिंग बेहतर ढंग से की जाएगी, ताकि मयूराक्ष सिल्क को एक अच्छा बाजार मिल सके। डिजाइनर के माध्यम से मयूराक्ष सिल्क को और भी बेहतर बनाया जाएगा। वर्तमान समय में महिलाओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए मयूराक्ष सिल्क की डिजाइनिंग की जाएगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले के आरोपी अरबपति ज्वेलर नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी को अंजाम देकर दोनों मामा भांजे देश छोड़कर भाग चुके हैं। पिछले महीने स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट ने भी पिछले महीने इनके खिलाफ मुख्य गैर जमानती वारंट जारी किया था।
बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुशील मोदी ने कहा है कि लालू परिवार के खिलाफ शीघ्र ही दूसरे खुलासे का दौर शुरू होगा। लालू यादव ने टाटा कंपनी की जमीन और संपत्ति तक पर कब्जा कर लिया है। सुशील मोदी का कहना है कि बिहार के हर जिले में सम्राट अशोक के नाम से भवन बनेगा। पटना स्थित कन्वेंशन सेंटर में सम्राट अशोक की प्रतिमा लगेगी। सुशील मोदी ने राष्ट्रीय कुशवाहा परिषद की ओर से आयोजित सम्राट अशोक जयंती समारोह को संबोधित करते हुए यह बातें कही। अब तक की खबर में बस इतना ही। और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।